हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू असुस पैराडाइज। आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्पेशल डिश जो कि महाराष्ट्र की स्पेशलिटी है। इसको हम बोलते हैं गावरान चिकन। आइए देखें इनके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें जरूरी है। तो हमने अब लिया है नमक, हल्दी, गरम मसाला या घाटी मसाला भी बोल सकते हैं आप इसको, लाल मिर्ची पाउडर, तेज पत्ता, दालचीनी, सूखी धनिया, लौंग, ये प्याज है जो मैंने दो बारीक प्याज लगभग दी है, ऐसे करके बारीक बारीक काटे हुए दो मीडियम प्याज, थोड़ी धनिया, हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जितना तीखा चाहिए। मुझे थोड़ा स्पाइसी लगता है तो मैंने हरी मिर्ची ली है। अदरक, लहसुन, थोड़ा सा गीला नारियल, आप सूखा नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो बड़े टमाटर और चिकन 1 किलो। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाने की तरीका। ये गैस ऑन कर दिया मैंने। सबसे पहले लेंगे हम ये हरी धनिया, इसको थोड़ा भून लेंगे। थोड़ी सी ही है, मैंने ज्यादा नहीं ली है। थोड़ा ये क्रिस्पी हो जाए, ज्यादा धनिया की जरूरत नहीं होती है, थोड़ी सी ही ली है। थोड़ा मैं तेज आंच पे इसको भून रही हूँ फटाफट, और थोड़ा सा हिला भी रही हूँ बीच बीच में, नहीं तो ये नीचे से पक जाएगी और जल जाएगी। ये देखिए थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो रही है, दैट मींस ये भून रही है। अब आंच मैंने धीमी कर दी है सिंस हमारा पैन जो है वो गर्म हो गया काफी। आंच बंद कर दीजिए इसकी और इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल उसी पैन में ले लिया है हमने, लगभग 2 चम्मच। थोड़ा ऑयल गरम कर लीजिए, ऑयल को थोड़ा फैला देते हैं और गरम करके थोड़ा गरम हो जाए अच्छे से, फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। ये ज्यादा बारीक नहीं काटे हैं, मोटे मोटे ही काटे हैं, लंबे लंबे। हमको ये प्याज अच्छे से इसमें अब हम ये प्याज को अच्छे से इसमें पूरे रेड डार्क ब्राउन थोड़े जले जले उतने रेड कर लें। ये देखिए हमारे प्याज हो गए हैं डार्केस्ट ब्राउन कलर पूरे, ये थोड़े थोड़े आपको ऐसा लग रहा होगा कि जल गए, बट ये जले नहीं है, प्रॉपरली भुने हुए हैं। ये अब इनको निकाल देते हैं। हमने की प्याज निकाल दिए हैं, प्याज को इसे ऑन ही रखें। अब ये जो है मिर्चियां सारी हम उसमें डालेंगे, मीडियम आंच पे रखें। ये गई मिर्चियां, इनको भी भून लेते हैं अच्छे से। भुनने तो मिर्चियां थोड़ी तेज कर दो आंच। ये इस चिकन में मसाला जो है वो मेन हमारी जो इंग्रेडिएंट है। जब मसाला पूरा बन जाता है देन फिर हम चिकन जब उसमें डालेंगे फिर टाइम नहीं लगता। मेन इज योर मसाला एंड द थिंग इज हाउ टू प्रिपेयर द मसाला इज मेनली इम्पोर्टेंट। सो मैं मिर्चियां कर लेते हैं। ये कुछ तेल नहीं डालना है, जिसमें आपने जिस पैन में आपने प्याज किए हैं उसी पैन में हम मिर्चियों को थोड़ा भून लेंगे अच्छे से।
ये अभी तक भुनी नहीं है, ये देखिए थोड़ा हिलाते रहे बीच बीच में, नहीं तो ये चिपक जाएंगे और जल जाएंगे। ये देखिए मिर्चियां भुन रही हैं, आंच हम अब थोड़ी धीमी कर देते हैं। वाह, प्लीज मिर्चियां भुनते समय अपनी जो खिड़कियां जो है वो खुले रखें ताकि हवा आती रहे, नहीं तो पूरा बैठ जाएंगे। मिर्चियों को भी निकाल देते हैं जिसमें हमने प्याज निकाल लेते। सेम इसमें हम ये अदरक जो है वो डाल देते हैं, प्लस लहसुन। अब इनको भी भून लेते हैं। ये देखिए भून गए हमारे लहसुन, इनको भी निकाल देते हैं सेम पैन में। नाउ वी विल डू ये जो है आपका नारियल, सूखा नारियल भी आप ले सकते हैं और गीला नारियल भी ले सकते हैं। अब इसको भी भून लीजिए अच्छे से। आंच मैंने धीमी कर दी है थोड़ी सी। इससे भुनने से जो मसालों की खुशबू आ रही है ना, दैट्स रियली अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया खुशबू हमारे। ये देखिए कितने तक भुनने हैं हमारे को ये नारियल के पीसेस। अब ये हम इसमें नहीं डालेंगे, ये हम सबसे पहले ये ग्राइंडर में डालेंगे, ठीक है। इसका सारा काम हो गया है, सो फ्राइंग पैन जाता है अंदर, अंदर रख देते। हाँ, अब हम इसको ग्राइंडर को बंद करेंगे। पहले हम नारियल को एक बारी ग्राइंड कर लेंगे। ब्रूम ब्रूम ब्रूम, ये नारियल अच्छे से ग्राइंड हो गई है। इसमें हमने कुछ पानी नहीं डाला है अभी, ये देखिए पूरा ग्राइंड हो गया, हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक मिर्ची, अभी प्याज नहीं डालेंगे। लहसुन अदरक मिर्ची जो है इसमें से आराम से अलग हो जाती है। ये देखो अब हम इसको भी ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखो लहसुन मिर्ची अदरक भी ग्राइंड हो रही है, अभी तक भी हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। अभी इसको फिर से बंद कर लेते हैं। ये देखिए ये खुशबू बहुत अच्छी आ रही है यार, जैसी खुशबू वैसे ही चिकन अच्छा बनता है, बढ़िया। अब ये धनिया जो हमने पहले से धो के रखी थी, अब ये हम डालेंगे इसके अंदर। इसी के साथ थोड़ा सा जो है वो पानी डाल देंगे, हल्का सा पानी, ज्यादा नहीं डालना है, हल्का पानी। लेट अस डू दिस। ये देखिए ये पेस्ट हो गई है पूरी। अब हम इसमें डालेंगे प्याज,
ये जो हमने भुने हुए थे, इसमें कोई नमक कोई मसाला कुछ नहीं डाला है अभी, और इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमने एक बारीक पेस्ट बना लिया है इसकी, प्याज भी डाल दिया है, क्या मस्त कलर आया इसमें। अभी हम ये जो है ग्राइंडर में टमाटर डाल देंगे, दो टमाटर जो हमने निकाल के रखे थे, क्योंकि इसमें जो थोड़ा बहुत इसका धनिया और इसका जो है हमने जो मसाला बनाया है वो भी पड़ा हुआ है, तो साथ में ही वो ग्राइंड में ही निकल आएगा, उसके साथ ही डाल दिया है। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अब हमने प्रेशर कुकर में ले लिया है, हमारा मसाला वसाला रेडी है, हमने प्रेशर कुकर में ले लिया है तेल। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, हम इसमें डालेंगे लौंग, दालचीनी, इसको तोड़ा लेते हैं, तोड़ ना, हेयर गोज द दालचीनी, ये गई। और ले लेते हैं तेज पत्ता, धनिया अभी नहीं, धनिया हमने रखा हुआ है, थोड़ा ये भून ले। भुन गया थोड़ा सा, इसके साथ ही हम डालेंगे छोटा, मैंने एक प्याज बारीक काटा हुआ है, बारीक कटे हुए प्याज, इसको थोड़ा भून लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे लगभग आधा चम्मच नमक डालेंगे इसमें। अब हम इसमें डालेंगे, ये प्याज थोड़े ट्रांसलूसेंट जैसे हो गए हैं, अब हम इसमें एक एक करके जो है चिकन आइटम्स, चिकन के पीसेस जो है हमारे, वो एक एक करके इसमें डालेंगे और साथ साथ हिलाते भी जाएंगे। चिकन जो है भुन रहा है, ये देखिए चिकन भी हमारी अच्छे से भुन गई है, चिकन का हो गया है अभी, थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो धनिया हमने ग्राइंड की थी वो, ये हमने डाल दी इसमें धनिया, और इसमें डालेंगे अभी हम थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच। अब सबसे पहले मसाला नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, ये जो टमाटर हमने प्यूरी बना दी है वो डालेंगे, ये देखिए, क्योंकि टमाटर हमने इसलिए डाले, बाकी सब हमने ग्राइंड किया हुआ है, टमाटर भुना हुआ है सॉरी, लेकिन टमाटर हम लोगों ने नहीं भुने हैं, इसलिए पहले टमाटर ही डालेंगे ताकि थोड़ा वो तेल में पड़ सके, अच्छे से भुन जाए। ये देखिए आंच को धीमी ना करें, ये देखिए चिकन का भी काफी पानी निकल आया है इसमें, थोड़ा सा बॉईल दे दिया है उसको। अभी हम लोग डालेंगे ये जो हमने गरम मसाला लिया है 3 बड़े चम्मच, वो गया इसके अंदर, इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च 2 चम्मच, और ये थोड़ा आंच धीमी कर ले नहीं तो पूरा ये उड़ उड़ के आएगा मसाला। ये देखिए इसको घुमा लेते हैं, ये लो बस पूरी तरीके से हो गया है, ये देखिए ये हो गया, हमने मिक्स कर दिया है, बढ़िया कलर आया। अब ये हम इसमें डालेंगे ये जो मसाला हमने ग्राइंड किया हुआ था, सारा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा पहले आधा डाल के उसको मिक्स कर ले। लेट अस सी मसाला ज्यादा होएगा कि कम, पर मुझे लगता है जाएगा सारा मसाला, जाएगा इसके अंदर। बढ़िया, क्या खुशबू आ रही है यार, ये देखिए सारा मसाला जो हमने ग्राइंड किया हुआ था, सारा खेल इस मसाले का ही, बाकी और कुछ नहीं, बाकी आपके नॉर्मल जो
सारा खेल इस ग्राइंड किए हुए मसाले का, क्योंकि जो फ्लेवर, जो खुशबू, ऑथेंटिसिटी जो है इस मसाले की ही आएगी। ये देखिए, वी विल मिक्स दैट। यू कैन सी नाउ द चिकन का जो कलर है ग्रेवी का है। अब थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं इसमें। इसको थोड़ा हिला लें, थोड़ा सा मिक्स कर लें। गावरान चिकन में जो ग्रेवी है वो थोड़ी ज्यादा रहती है, ये देखिए, और हमने थोड़ा इसमें ग्रेवी कर दिया। अब हम इसको लगभग दो प्रेशर कुक करेंगे। दो प्रेशर कुक करके इसको बंद कर दीजिए, जब तक दम ना निकले तब तक खोले ना। ये देखिए, दम निकलने के बाद क्या गावरान चिकन बना है हमारा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा गावरान चिकन हो गया रेडी। इसको एंजॉय कीजिए राइस के साथ, बाजरे की भाकरी के साथ, चावल की रोटी के साथ। आप किसी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। यूजुअली जो महाराष्ट्र लोग हैं इसको बाजरे की भाकरी के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। सो आप मुझे प्लीज कमेंट्स में लिख के बताएं आपको ये गावरान चिकन कैसा लगा। मुझे सब्सक्राइब करें फॉर माय न्यू रेसिपीज, ताकि आपको इजीली मेरे नए रेसिपीज पता चले। कमेंट्स में लिख के बताएं कैसी लगी। बाय।